हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों कल की वीडियो बनाने के बाद जो कि कनाडा का एक नया अपडेट आया था जिसके अंदर काफी आसानी से आप अप्लाई कर सकते हो और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको वीजा मिल पाए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं कि सर स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करना है, पूरा प्रोसेस सही से बताएं कि किस तरीके से हमें पहले क्या चीज चेक करनी है, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या करना है। तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो मैं लाया हूं ताकि मैं आपको प्रॉपर बता सकूं कि आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से चलना है, पहले क्या चीज चेक करनी है, उसके बाद क्या चीज चेक करनी है, और फिर उसके बाद क्या करना है, और फिर उसके बाद क्या करना है। तो फ्रेंड सबसे पहले जो आपको करना है, ये दो लिस्टें आपको मिल जाएगी जो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो वहां से। अब ये दो लिस्टें हैं दोस्तों, ये लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये उन लोगों की जो है वो ऑक्यूपेशंस हैं जो कि इसके अंदर शामिल नहीं है, मतलब कि अगर आपका नाम इन ऑक्यूपेशन के अंदर है इसका मतलब कि आप एलिजिबल नहीं हो। अब किसी ने मुझसे पूछा था कि सर क्या नर्सेज एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम के लिए, तो मैं यहाँ पर उनका नाम सर्च करके देख लेता हूँ। वैसे मैंने कुछ चीज़ें सर्च भी की हैं इसमें, तो ये नर्सेज जो है वो अप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी नाम लिखा हुआ है, और ये लिस्ट है उन लोगों की जो कि नॉट एलिजिबल है इस प्रोग्राम के लिए। तो इसलिए दोस्तों अगर आपका ऑक्यूपेशन इसके अंदर है तो उसका मतलब आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका ऑक्यूपेशन इसमें नहीं है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर था तो मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर भी जो है वो चेक करके चेक किया था, तो यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर का भी नाम आ चुका कि वो लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे ही आप अपना ऑक्यूपेशन चेक कर सकते हो। अब जब आप इसके अंदर चेक कर लेते हो और अगर आपका ऑक्यूपेशन इसके अंदर नहीं है तो उसका मतलब कि आप एलिजिबल हो इस प्रोग्राम के लिए। अब आप एलिजिबल हो तो अब आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर जो जो बंदों के मतलब जो जो ऑक्यूपेशन के नाम लिखे हुए हैं इसमें आपने चेक करना है। अगर इस ऑक्यूपेशन के अंदर आपका नाम है तो उसका मतलब कि आपको जो है वो वहाँ की सर्टिफिकेट या फिर लाइसेंस जो है वो इश्यू करवाना होगा। तो इसकी वेबसाइट वगैरह सब सारी सामने लिखी है, आप यहाँ से जाके डिटेल्स ले सकते हो कि किस तरीके से आपको लाइसेंस इशू करवाना है, ठीक है, अगर आपका जो ऑक्यूपेशन है वो इसमें शामिल है तो। अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं, अब आपने आ जाना है अगले स्टेप के ऊपर। अब नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे ये है कि फिर आपने देखना है फंड। अगर आपके पास इतना फंड मौजूद है कि एक बंदे के लिए जो है वो 12,000 और कुछ डॉलर चाहिए, तो अगर आपके पास है ये फंड मौजूद तो आप बिल्कुल फिर एलिजिबल हो आगे, ठीक है, फिर आपने कंटिन्यू करना है आगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहले देखो 1% के लिए $12,000 की जरूरत है, 2% के लिए $15,000 की जरूरत है। ये आपके फैमिली मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप अपनी पूरी फैमिली को लेके जाना चाहते हो तो इसके हिसाब से आपके पास फंड मौजूद होना चाहिए। अगर आपके बच्चे हैं या आपके पेरेंट्स हैं, आपकी वाइफ है, तो जितने भी लोग हैं उसके हिसाब से यहाँ पे फंड दे दिया गया है। टोटल 7% के हिसाब से फंड यहाँ पे मौजूद है। अगर आपके पास ये फंड मौजूद है तो फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ना है। अब नेक्स्ट स्टेप जो यहाँ पर है दोस्तों वो है सर्टिफिकेट, अपनी डिग्रियों को जो है वो रजिस्टर्ड करवाना कनाडा से, जो कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर पहले करवाना है या तो फिर एप्लीकेशन सबमिट कराने के बाद कराना है। तो फ्रेंड्स वो आपको पहले करवाना है, लेकिन पहले करवाने से पहले अब आपने नीचे पॉइंट्स चेक कर लेने हैं पहले अपने। तो यहाँ पर आपको पॉइंट बेस्ड सिस्टम मिल जाएगा जो मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट। यहाँ पर इसके ऊपर आपने क्लिक करना है इस लिंक के ऊपर, और यहाँ पर आप आ जाओगे कि आप इस पॉइंट्स के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं। आपको कम से कम 60 पॉइंट्स उठाने हैं। अब 60 पॉइंट्स किस हिसाब से उठाने हैं, सबसे पहले तो आपकी एजुकेशन देखी जाएगी। अब यहाँ पे लोगों ने मुझसे पूछा कि सर क्या 10 और 12 क्लास वाले क्या अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। दोस्तों देखो, अगर आप 12 क्लास पढ़े हुए हो ना तो उसका मतलब कि कनाडा की 10 क्लास पढ़े हुए हो, ठीक है, 2 क्लास आप कम कर दो इंडिया और पाकिस्तान को मिला के, ठीक है। तो अब आपने ये पहले चेक करना है अपनी डिग्री के हिसाब से, ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस देखना है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो उसके हिसाब से आप अपना पॉइंट काउंट कर सकते हो। उसके बाद आपने लैंग्वेज एबिलिटी देखनी है। अब लैंग्वेज एबिलिटी कहाँ पर देखनी है आपने, ये आइल्स के हिसाब से। अब जो CLB 4 जो है इसका मतलब कि ये बैंड 4.0 का आइल्स है, आपको कम से कम इतना चाहिए तभी आपके 12 पॉइंट्स बनेंगे। अगर आपका 5 का है तो आपके 14 पॉइंट्स बनेंगे, आपका 6 का है तो 16 पॉइंट बनेंगे, 7 का है तो 18 पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है। फिर आपने आ जाना है यहाँ पे और फिर अपने एज के हिसाब से पॉइंट चेक करना है। अगर आपकी एज 22 से लेकर 34 ईयर्स तक की है तो 12 पॉइंट आपके ऐसे ही बन जाएंगे। बाकी ये चीज़ भी यहाँ पे मेंशन की हुई है, आप उसके हिसाब से पॉइंट यहाँ पे ले सकते हो। उसके हिसाब से फिर नीचे आ जाओ, अगर आपके पॉइंट्स इतने बन जाते हैं, कम से कम 60 पॉइंट्स आपके बन जाते हैं, तो फिर आप जो है वो आगे एलिजिबल हो, आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का बोलना ये है कि सर मेरे पॉइंट्स बन रहे हैं 58, 56, 57,
अब दोस्तों देखो, उनका मसला ये है कि मैं उन्हें प्रेफर नहीं करूँगा कि वो यहाँ पर रजिस्टर्ड करें फिर, क्योंकि यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी वो 60 points की है। अब वो अगर चाहते हैं कि वो रिस्क लेके देखें तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैं रिकमेंड नहीं करता कि अगर आपके 60 points नहीं आए तो आप अप्लाई भी करो, क्योंकि जब आप अप्लाई करोगे तो आपको $350 फीस भरनी होगी, ठीक है। तो ये अब आप सोच समझ के करो, क्योंकि इसके अंदर 70-30% चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिले, वरना तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि वीज़ा ना मिले। तो इसलिए ये चीज़ बहुत सोच समझ के करना, बाद में नहीं बोलना कि लीगल भाई ने रिकमेंड किया था कि अप्लाई करके देखो। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, अगर आपके 60 points आए हैं तभी ही आप अप्लाई करो। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है। जब आप सब चीज़ों में एलिजिबल हो तो बस फिर आपने यहाँ पर आना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, अप्लाई ऑनलाइन। और यहाँ पे आने के बाद अब आपने यहाँ पे क्रिएट करना है अपना अकाउंट। अब यहाँ पे क्रिएट करने के लिए भी मैं चीज़ें बता देता हूँ क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे स्किल्ड वर्कर के ऊपर टिक कर देना है और कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास इस किस्म का कुछ फॉर्म आ जाएगा, यूज़र नेम डालना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, फैमिली नेम, डेट ऑफ बर्थ और फिर अपना ईमेल एड्रेस, और उसको सबमिट कर देना है। अब दोस्तों आप जैसे ही इसको सबमिट कर दोगे, सबमिट करने के बाद सीन ऐसा होना है कि आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा आपके। अब आपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो कम्प्लीटली इसको जमा करवाने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट आपने जमा नहीं करवाना। सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लगाने के बाद आखिरी स्टेप जो होगा वो $350 की फीस लेगा वो आपसे। $350 की आपने फीस देके और उसको सबमिट कर देना है, और फिर इसके बाद कुछ दिन वेट करना है। आपके पास खुद ही रिस्पॉन्स आएगा, वहाँ के लोग खुद ही आपसे कांटेक्ट करेंगे, जो कनाडा ने इसके ऊपर कमेटी बनाई होगी या कोई कम्युनिटी बनाई होगी वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगी और आगे का प्रोसेस आपको बताएगी। आगे का प्रोसेस कोई इतना मुश्किल नहीं होगा, जो भी मुश्किल है वो यहीं पे है। उसके बाद आगे आपको कोई भी जो है वो पैसे नहीं देने या कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाने, बस जो रिक्वायरमेंट्स होगी वही आपसे मांगी जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये टोटली आपके सारे क्वेश्चंस जो है वो उसमें क्लियर हो चुके होंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर प्लीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।